इस किस्म की लाकानूनियत शरंगेजी ये कहां से आया है? मार दो, गिरा दो, जला दो। तशद्दुद, बद जुबानी, बद तहजीबी का वायरस इस डी चौक से रिलीज किया गया था। ये जिनके तोहफे हैं आज वो मुल्क पे मुसल्लत हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब की पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करती हुई नजर आए, जो नहीं नजर आ रही कि ये शरंगेजी उस कंटेनर से उठी थी जहां से पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी करने की तरगीब दी गई थी। जब धरना देते थे तो इस किस्म को रवैयों को वाह वाह करते थे। ये मकाफाते अमल है कि जो इन तमाम चीजों का हिस्सा थे आज सानिया पीआईसी में मजबूर और लाचार नजर आ रहे हैं। तमाम वो लोग इसके जिम्मेदारान हैं जो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और इमरान साहब के जो भांजे के घर छापा मारा गया लेकिन पुलिस को वो मिले नहीं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर कटवाई नहीं गई। फौरी तौर पर इस सानिया की तहकीकात कराई जाए और फौरी तौर पर पीआईसी को अनसील किया जाए ताकि लोग जो है वहाँ इलाज करा सके, और जब अदालतों में जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जो फैसले में लिखा गया कि शहबाज शरीफ ने करप्शन रोकी, शहबाज शरीफ ने हर केस में अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया और वो तमाम इंतजाम किए जिसमें पंजाब में करप्शन रुक सके, और झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला के नामों के नीचे हर सवाल के जवाब में। महंगाई 3 गुना और तरक्की की शरह आधी क्यों हुई? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने करप्शन की। भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की तो उन अदालतों के फैसले पढ़ लें जिसमें लिखा है 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई। इस जवाब में जो कि आज पार्लियामेंट में रिटन जवाब जमा कराया गया, इसमें लिखा गया कि एसेट रिकवरी यूनिट ने कोई रिकवरी नहीं की। ये तो 200 बिलियन 600 बिलियन 300 बिलियन जो मुल्क के बाहर गया था, मनी लॉन्ड्रिंग होकर गया था, जो कंटेनर पर नारे लगते थे, वो किधर है? वो किधर है? और जब पीआईडी में बैठकर शहजाद अकबर साहब कागज लहराते हैं और कहते हैं इतना पैसा चोरी हो गया, इतना पैसा खाया गया, शहबाज शरीफ साहब के असासे मुंजमित कर दिए, ये वाहिद नैब की तारीख में पहला केस है जिसमें कोई रेफरेंस नहीं, अदालत में कोई सबूत नहीं करप्शन का, और रेफरेंस और केस और सबूत से पहले असासों को मुंजमित कर दिया जाए क्योंकि वो असासे शहबाज शरीफ के थे। और जो 13 असासे मुंजमित करने का हुक्म है उसमें 3 असासे शहबाज शरीफ के नाम पर जो कि इलेक्शन कमीशन में और एफबीआर में डिक्लेर्ड असासे हैं। अलीमा बाजी की जादू की सिलाई मशीनों से बेनामी जायदादें नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तहकीकात कराई जाए, हसन नियाजी को गिरफ्तार किया जाए और पीआईसी को फौरी तौर पर अनसील किया जाए और माफी मांगी जाए जो पीआईडी का खर्चे के ऊपर कागज लहराकर इल्जाम लगाया गया, पूरे मुल्क की जग हसाई की गई, डाकू और चोर कहा गया, और आज सरकारी जवाब में 1 रुपए की रिकवरी नहीं है।